प्रदेश पाली की प्यास बुझाने के लिए वाटर ट्रेन जोधपुर से पाली पहुंची। ये ट्रेन 20 साल में पांचवी बार पाली लेकर पानी पहुंची है। आपको बता दें कि जयस राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने जोधपुर के भगत की कोठी रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया और ट्रेन के पाली पहुंचने पर कांग्रेस नेताओं ने स्वागत किया है। इन दो तस्वीरों में देखिए, बता दें कि ट्रेन दो फेरों में 40 लाख लीटर पानी लेकर पहुंची। वाटर ट्रेन के पहुंचने से पाली के 8 शहरों 561 गांव में सिरोही के शिवगंज कस्बे की प्यास बुझेगी। करीब 3 महीने तक चलने वाली इस ट्रेन पर 16 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वाटर ट्रेन चलाने से रेलवे को सरकार से 3,24,000 रुपए का राजस्व भी मिलेगा। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और जिस तरीके से पानी की किल्लत काफी लंबे समय से थी, अब कहीं ना कहीं जनता को जो है काफी राहत भी मिलेगी। ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि अच्छी वर्षा हो, जमई भरा रहे। जिस जमई ने हमें कई वर्षों तक हमें जोधपुर को पानी पिलाया और इस समय का पानी से ट्रेन जोधपुर के लिए आती थी और आज ईश्वर की कृपा ना होने के कारण जमई में बस पानी नहीं आया। ये पानी पीने के लिए जोधपुर से ट्रेन जा रही है। प्रसन्नता और गर्व की अनुभूति हो रही है कि जिस क्षण की हम प्रतीक्षा कर रहे थे वो आज शुभ घड़ी आ गई है। देखिए, आपको सबको विदित है कि अक्यूट वाटर क्राइसिस है। पाली में जवाई बांध पे पानी बहुत घट गया है, तो जब स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने, पाली कलेक्टर ने और डिविजनल कमिश्नर ने आगे हमसे आग्रह अनुरोध करा और डिमांड करी कि वाटर स्पेशल ट्रेन चलानी है। तो बता दें कि दो फेरों में पानी पहुंचाएगी यहां पर ट्रेन और जिस तरीके से पानी की किल्लत साफ तौर पर देखने को मिल रही है और इस चिलचिलाती धूप में जनता जो है बेहद ज्यादा परेशान नजर आती है और यहां पर सरकार की तरफ से बेहतरीन पहल करते हुए अब जनता तक पानी पहुंचाया जाए, क्योंकि कई ऐसे गांव है जहां पर पानी का अभाव है और कहीं ना कहीं जनता और पशु पक्षियां तमाम लोग जो है वो परेशान नजर आते हैं। लेकिन अब रोजाना जो है 40 लाख लीटर पानी जो है वो पहुंचाई जाएगी इस ट्रेन के माध्यम से। 21 साल में पांचवी बार जो है ट्रेन का सहारा लेते हुए पानी की किल्लत को दूर किया जा रहा है।